कुतुब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। और हमारे पास बहुत ज़्यादा सवाल जो गर्दिश करता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा लोग पूछना भी चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा यानी वो सवाल के बारे में सवाल करते रहते हैं कि ये बताएं ये बताएं। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाने वाली औरतें और बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाली औरतें और कामयाब ज़िंदगी गुजारने वाली औरतें। ठीक है, आज जो हमारा ये टॉपिक है, इस टॉपिक को आप गौर से देखिएगा, समझिएगा और अपने हाथ में इन चीज़ों को तलाश कीजिएगा। अगर आपके हाथ में इस तरह की अलामत है तो ये समझें कि ये सारी बातें आपकी की जा रही हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को पसंद करने का, लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आप लोगों की मोहब्बत है कि हमारा चैनल अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर और बहुत बेहतर पोजीशन में होता जा रहा है, और ये सब आप लोगों की वजह से है और अल्लाह की ख़ास रहमत है। तो सबसे पहले मैं आपको हाथ में बना के बताता हूँ तमाम लकीरें, उसके बाद फिर मैं इस सफ़र की लकीर की तरफ आऊँगा कि किस तरह की अलामत होती है। ये है ज़िंदगी की लकीर, ये ज़िंदगी की लकीर है, और ये है दिमाग की लकीर। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी जा रही है, खम नहीं खा रही, इस तरफ मुड़ नहीं रही। उसके बाद ये है दिल की लकीर, ये भी काफ़ी लंबी लकीर है। ठीक है, इन लकीरों को गौर से देखें और समझें। ये लकीर का लंबे होना से मुराद ये है कि ये औरत जो है बहुत वफ़ादार होती है, अगर मर्द के हाथ में हो तो उसमें भी यही अलामत होती है, लेकिन अगर औरत के हाथ में हो तो ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छी अलामत समझी जाती है। उसके बाद दिमाग की लकीर का सीधा होना, यानी बिल्कुल सीधा चलना, वरना अमूमन हाथों में ये होता है कि दिमाग की लकीर यहाँ तक जा रही होती है और यहाँ ख़त्म हो जाती है, या यहाँ से डबल हो जाती है, यहाँ से बैक की तरफ टर्न कर लेती है, यानी कि कलाई की तरफ रुख कर लेती है, लेकिन ये जो लकीर है ये बिल्कुल सीधी थ्रू आउट जा रही है। तो इस लकीर का मतलब ये कि इसके अंदर दिमागी सलाहियतें जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये लकीर बारीक और साफ़ है, और अगर ये लकीर जंजीर नुमा होगी तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। लेकिन जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो मौजू ये है कि दिमाग की लकीर का सीधा होना, दिल की लकीर का लॉन्ग यानी बहुत बड़ा होना, और उसके बाद लेफ़्ट लाइन देखें जो यहाँ तक आती है इसका यहाँ पर ख़त्म होना। ठीक है, इन चीज़ों को आप नोट कीजिए। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये ज़िंदगी की लकीर आखिर में दो शाखा हो रही है, ज़िंदगी की लकीर आखिर में दो शाखा हो रही है, और जो किस्मत की लकीर है ये अल्लाह के फजल से बिल्कुल सीधी और बारीक लकीर, एक रुख ये इस तरफ मोड़ रही है और दूसरा रुख इसका मुश्तरी की तरफ है, यानी एक रुख इसका जो है ये समझे शम्स की तरफ है और दूसरा रुख जो है वो मुश्तरी की तरफ है। और उसके बाद इनके हाथ में जो सफ़र की लकीरें हैं वो ये बेशुमार लकीरें हैं, ये ठीक है, ये इस तरह की सीधी लकीरें, इनमें कोई टूट फूट नहीं है, इनमें कोई जजीरा नहीं है, इनमें कोई दोशाखा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। ये जो चार या पांच लकीरें ये हैं कि ये एक सफ़र यानी करेंगी जाएंगी और फिर आएंगी, फिर एक सफ़र करेंगी, फिर ये लॉन्ग सफ़र है यानी बड़े सफ़र। और एक चीज़ मैं आपको ख़ास और बताता चलूँ कि हमने बुज़ुर्गों से और आलमों से और इल्म रखने वालों से ये भी सुना है कि पाँव के नीचे तिल का होना, यानी राइट सीधे पाँव के नीचे तिल का होना, मॉल का होना भी इंसान को टिकने नहीं देता, सफ़र सफ़र करते रहते हैं वो, और वो बेशुमार सफ़र करते हैं। लेकिन जो ये चीज़ मैंने आपको बना के बताई है, ये आपके हाथ में जो अलामतें हैं, जो चीज़ें हैं, ये उनके बारे में आप अपने हाथ को गौर से देखिएगा और समझिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक और भी चीज़ बताता चलूँ कि क्रॉस का निशान, और उसके बाद एक और चीज़ बताता चलूँ कि शादी की लकीर। ये सारी चीज़ें जिन्हें हाथ में मुकम्मल होनी चाहिए। हमारे यहाँ ये भी होता है कि ये हमारा जो प्रोग्राम है ये देखते हैं, उसके बाद कहते हैं जी अच्छा हमारे हाथ की लकीर ऐसी है लेकिन दूसरी लकीर तो ऐसी नहीं है, उसमें ये बना हुआ है।
तो भाई जो हम बना के बता रहे हैं, इन चीज़ों को अपने हाथों में तलाश करें, अपने दोस्तों के हाथों में तलाश करें, अपने बहन भाइयों के हाथ में तलाश करें, और फिर उन चीज़ों का आप मुशाहिदा करें कि ये वो चीज़ें हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो फिर तो हमारा हक बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज़ को समझिए कि सफ़र करने वाली औरत और मुल्क से बाहर शिफ्ट हो जाने वाली औरत और बेहिसाब दौलत हासिल करने वाली औरत और बेहिसाब दौलत की मालिक औरत, यानी ये सारी अलामतें हैं। इन अलामतों को ज़रूर अपने हाथों में चेक कीजिएगा। इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। राबिया अली ने सवाल किया मुल्तान से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी और कैसे रहेगी। राबिया अली साहब, आपकी शादी अल्लाह के फजल से 2021 में होगी और शादी आपकी कामयाब रहेगी और ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। अमना ने सवाल किया कराची से, ये बताएं कि शादी कब होगी और दौलत कब आएगी। अमना साहब, आपके हाथ में जो शादी की लकीर है, कम अज़ कम 2017 और 18 में आपकी शादी हो जानी चाहिए थी। ये शादी वक्ती तौर पर रुकी हुई है, ये कुदरती कोई मामला है। इंशाल्लाह 2020 आपके लिए अच्छा है, शादी भी होगी और हालात भी अच्छे होंगे। सादिया ने सवाल किया गुजरात से कि 5 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मेरे हाथ में, मेरे नसीब में औलाद नहीं है, इसकी क्या वजह है। देखें सादिया साहब, आपके हाथ में औलाद की एक लकीर सालम और एक लकीर जरी छोटी सी है, यानी एक लड़का और एक लड़की की अलामत है, लेकिन अपने टाइम पीरियड से लेट है और वहाँ की तस्वीर भी इतनी वाजे नहीं है। अगला सवाल क्या है शुएब साहब ने रहीम यार खान से कि मेरे बहन की शादी थी, उस दिन एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे बीवी बच्चे और मेरे माँ बाप सब उस हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए और मैं बहुत परेशान हूँ, ये बताएं कि मैं इन परेशानियों से कब निकलूँगा। प्यारे दोस्त, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले लिया, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला उनका वो जहान अच्छा करे। आने वाला वक्त आपका अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा होगा, लेकिन परेशानियों का इतना अटैक है ना आपकी ज़िंदगी, आपकी कामयाबी और आपके दिल पर, यकीन करो कि यह आपकी हिम्मत है कि आप चल रहे हो। अल्लाह आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह, जल्द अच्छा वक्त भी आएगा, मुश्किल के बाद अच्छा वक्त ज़रूर आता है। और आप प्यारे भाई कोशिश करो जितना हो सके तौबा इस्तग़फ़ार जो है ना ये लाजमी पढ़ा करो, और इसके अलावा अगर आयत करीमा आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, तो ये लाजमी पढ़ा करें। इंशाल्लाह लजीज़ आपका टेंशन भी कम होगा, परेशानियाँ भी कम होंगी और हालात भी अल्लाह के फजल से बेहतर होंगे। मारूख ने सवाल किया है गुजरात से कि नौकरी कब मिलेगी। मारूख साहब, आपके हाथ में किस्मत की लकीर तो कोई ख़ास अच्छी नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है अच्छी हो जाए। बहरहाल आप कोशिश किया करें कि सूरह फातिहा अलहम्दो शरीफ जो है उसकी 2 से 3 तस्मियाँ पढ़ लिया करें, ताकि आपके आने वाले वक्त में आपके हालात अल्लाह के फजल से अच्छे हों, क्योंकि आपकी किस्मत की लकीर थोड़ी कमज़ोर है। सोनिया ने सवाल किया है जेलम से, माली हालात कब बेहतर होंगे और हालात कब अच्छे होंगे। सोनिया साहबा, आपके हाथ में किस्मत की लकीर बहुत ज़्यादा अगर अच्छी हम बोलें उतनी तो नहीं है, बहरहाल आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के बाद आपको कामयाबी नसीब होगी। बिस्मा ने सवाल किया सियालकोट से कि शादी के बाद खुश रहूँगी, शादी के बाद हालात अच्छे हो जाएंगे, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। बिस्मा साहबा, अल्लाह के फजल से आपकी शादी भी कामयाब होगी और शादी के बाद की ज़िंदगी भी अल्लाह के फजल से अच्छी और बेहतर होगी। अदील हुसैन साहब ने सवाल किया है कराची से कि मेरे नसीब में दौलत है और कब मिलेगी। अदील भाई, आपके हाथ में कामयाबी की लकीर भी बड़ी शौख और गहरी है और अल्लाह के फजल से किस्मत की लकीर भी अच्छी है। आज तक जो वक़्त आपका गुजरा वो भी अल्लाह के फजल से बेहतर गुजरा और आने वाला वक्त भी आपका अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा होगा। रिजवाना ने सवाल किया क्वाड से कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। आपकी शादी हाथ की लकीरों के मुताबिक अरेंज मैरिज होगी और शादी कामयाब रहेगी और शादी के बाद की ज़िंदगी अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी होगी। रोबीना ने सवाल किया चकवाल से, कारोबार में या बिज़नेस में मुझे कामयाबी कब तक मिलेगी। रोबीना साहबा, अल्लाह के फजल से आपकी किस्मत की लाइन भी अच्छी है और कामयाबी की लकीर भी आपके हाथ में शौख और गहरी लकीर है। ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत कम बुरा वक्त देखते हैं, आने वाला जो वक्त है इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सैमा ने सवाल किया है जकवाबाद से कि मेरे हाथ में तलाक की अलामत तो नहीं,
आपके हाथ में तलाक की अलामत तो नहीं है, बहरहाल बदनामी की अलामत मौजूद है। कोशिश करें कि जो कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं, वरना किसी परेशानी का सामना हो सकता है। आसिया ने सवाल किया डस्का से कि मेरी उम्र 30 साल हो गई है, ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी। आपके हाथ में जो शादी की लकीर है उसके मुताबिक तो 2021 में आपकी शादी हो जाएगी और शादी कामयाब रहेगी, और शादी के बाद का वक्त अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा होगा। तानिया ने सवाल किया लाहौर से कि मेरी छोटी सी एक बच्ची है लेकिन शोर कोई काम नहीं करता, ये बताएं कि हालात कब अच्छे होंगे। देखें, आपके हाथ में जो किस्मत की लकीर है वो तो अल्लाह के फजल से अच्छी है, और दौलत हमेशा औरत के नसीब से होती है, मर्द के नसीब से सिर्फ औलाद होती है। उसके मुताबिक आपके हालात जो हैं 2021 और 2022 में अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छे होंगे। नायाब ने सवाल किया एबटाबाद से कि ये बताएं कि मेरी किस्मत कैसी है। तो नायाब साहबा, आपकी अल्लाह के फजल से किस्मत अच्छी है और आने वाला वक्त भी आपका अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर है। सैयदा परवेज़ा ने सवाल किया है इंडिया से कि मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ, ये बताएं कि बिज़नेस कैसा रहेगा। आपके हाथ में कामयाबी की लकीर मौजूद है और आपके हाथ में कामयाबी की लकीर भी बड़ी नुमाया और शौक है। आप कारोबार करें, बिज़नेस करें, अल्लाह के फजल से कामयाब होंगे, लेकिन 2021 में। नरजिस ने सवाल किया है ओकाड़ा से कि मेरे हाथ पर दिल की लकीर पर एक जज़ीरा है, इसका क्या मतलब है। देखें, दिल की लकीर पर जज़ीरा हो या किस्मत की लकीर पर जज़ीरा हो या ज़िंदगी की लकीर पर जज़ीरा हो, ये अच्छी अलामत नहीं होता। बहरहाल इसका हल भी है और इसका इलाज भी है। हल ये है कि आप कोशिश करें कि सदका दें। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप गाय भैंस या बकरा कोई भी ऐसी चीज़ दें, अपनी औकात के मुताबिक पुराने कपड़े भी आप सदका दे सकते हैं किसी को, और किसी भूखे को खाना खिला सकती हैं, ये भी सदका है, आप ये कर सकती हैं। इंशाल्लाह लजीज इस मुसीबत और इस परेशानी से आपको निजात मिलेगी और ये ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आप जो है ना कोशिश करें कि कसरियत से तौबा इस्तग़फ़ार जो है वो पढ़ें, अल्लाह के फजल से बेहतर हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।